हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोगुरुजी। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि नवंबर 2021 में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे जल्दी मिल सके। नीचे एक रेड बटन होगा दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, और जो आपके सब्सक्राइब करने से मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाला दोस्तों, वो है लावा अग्नि। लावा अग्नि दोस्तों की डिस्प्ले की बात करें, इसमें 6.51 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक डायमेंसिटी का 810 का प्रोसेसर मिलेगा। 4 GB रैम 64 GB वेरियंट है दोस्तों इसमें। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया दोस्तों, 64 MP का, 8 MP का और 2 MP का। सेल्फी के लिए 8 MP का कैमरा है और 5000mAh की बैटरी है दोस्तों इसमें। इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इसकी प्राइस 9,999 रुपये बताई जा रही है, लेकिन ये दोस्तों एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये रियल प्राइस नहीं है। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाला दोस्तों, उसका नाम है Moto G 51 5G। इसके डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, इसकी भी डिस्प्ले 6.5 इंच की है। इसमें स्नैपड्रैगन का आपको प्रोसेसर मिलेगा 750G, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज है दोस्तों इसमें। ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें भी दोस्तों, 48 MP का, 5 MP का और 2 MP का। 13 MP का इसमें सेल्फी कैमरा मिलेगा दोस्तों। इसमें पावर के लिए 5000mAh की दमदार बैटरी भी लगाई गई है। इसकी प्राइस दोस्तों जो पता चली है वह 17,999 रुपये, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये रियल प्राइस नहीं है। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है Poco M4 Pro 5G। इसकी डिस्प्ले दोस्तों सेम ही है, 6.5 इंच की। मीडियाटेक डायमेंसिटी का 700 का प्रोसेसर इसमें मिलने वाला है। 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज इसमें दोस्तों आपको मिलेगी। इसमें आपको सेल्फी के लिए 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 5000mAh की बैटरी मिलेगी और इसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने वाली है दोस्तों। और यह एक 5G स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, इसको 15,999 रुपये में लॉन्च होने की बात पता चली है। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो है दोस्तों, वो है ओप्पो का फोल्डेबल स्मार्टफोन। इसके डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, इसमें 6 इंच की OLED डिस्प्ले मिलने वाली है और 50 MP के कैमरे की बात पता चली है। इसके फुल स्पेसिफिकेशन भी पता नहीं चला है दोस्तों, जैसे ही पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसकी प्राइस दोस्तों, जहाँ तक लीक निकल के आई है, 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है जो दोस्तों, एक्चुअली ये स्मार्टफोन ये एक टैबलेट है, नोकिया T20 टैबलेट। इसकी डिस्प्ले दोस्तों आपको 10.3 इंच की 2K डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें आपको यूनिकोस T610 का प्रोसेसर मिलेगा। 4 GB 64 GB इसकी स्टोरेज है दोस्तों। 8 MP का बैक कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा है और इसमें 8200mAh की बहुत बड़ी बैटरी मिलने वाली है। इसकी प्राइस जो दोस्तों, इसकी प्राइस जो है वो है 17,999 रुपये। यह फ्लिपकार्ट पर लिस्ट भी हो गई है, लेकिन अभी इसकी बिक्री स्टार्ट नहीं हुई है, या 9 नवंबर से इसकी बिक्री स्टार्ट होगी। तो ये था दोस्तों 5 स्मार्टफोन ऐसे जो नवंबर में लॉन्च होने वाली है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।